बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट कर दूंगा जी। मैं डॉलर रेट की भाई गिरावट, यानी कि डॉलर तो पाकिस्तान में इस वक्त नीचे ही जा रखा है, उसी हिसाब से रियाल के ऊपर भी फर्क आ रखा है, लेकिन रियाल के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं है। बहरहाल परदेशियों के लिए तो इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं होती है ये, जब रियाल नीचे आता है उस हिसाब से भाई, जैसे कि डॉलर नीचे आ रहा है या रियाल नीचे है उस हिसाब से पाकिस्तान में महंगाई भी नीचे आए तो फिर तो बात मानने में आती है। जैसा कि डॉलर ऊपर जाए तो महंगाई भी ऊपर जाती है। बहरहाल आपको डॉलर रेट के मुताबिक पहले बता दूं, देखनी 181.82 रुपये था, आज हो चुका है 181.69 रुपये। पहले रुपए में अभी पैसों के हिसाब से नीचे आ रहा है। तो अगर रियाल रेट के मुताबिक बात करें, एक्सचेंज रेट आपको बता दूं, मैं आप देख रखे होंगे 48.48 रुपये हो चुका है जी। और इंडिया की बात करें तो 20 रुपये एंड बांग्लादेश टके की बात करें तो 23 टके हो चुका है। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो बैंकों के यानी कि टैक्स वगैरह काट कर क्या रेट लग रहे हैं। फौरी बैंक का जजीरा की बात करें तो 48 रुपये पूरा रेट इनका हो चुका है इस वक्त। एंड एसटीसी पे की बात करें तो 47.86 रुपये हो चुका है और 17.25 रियाल इनकी फीस है। एंड तहवील राजी बैंक की बात करें तो इनका 47.76 रुपये रेट है जी और 10 रियाल इनकी फीस है। इनकी 23 रियाल फीस भी होती है अगर पहली बार किसी के नाम के ऊपर भेज रहे हैं तो 23 रियाल काटते हैं। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 47.94 रुपये रेट है और इनकी 23 रियाल फीस है। एंड मनीग्राम की बात करें तो 48 रुपये रेट है जी और 23 रियाल फीस है। एंड टेलीमनी एएनबी बैंक की बात करें तो इनका भाई 47.86 रुपये इनका रेट है और 23 रियाल इनकी फीस है। इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक में इस वक्त 48.04 रुपये चल रहा है और अगर SSNB बैंक की बात करें तो वहां पर भाई 47.90 रुपये रेट चल रहा है। ये आज का रेट था जी, आप मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। मजीद आप भाई अगर भेज रखे हैं आपका क्या रेट लग रहा है कन्फर्म जो होता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि दूसरे बंदे जो देखते हैं उनकी भी रहनुमाई।